इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मैरिन का बाप पुलिस लेकर शामिर सिकंदर के घर पहुंचेगा और उसके बाप से कहेगा कि मेरी बेटी का दिल तोड़ने की सजा मैं तुम्हें मौत से भी बढ़कर दूंगा। तुम्हारी पार्टी पर की गई इन्वेस्टमेंट की एक एक पाई मैं तुम लोगों से वसूल करूंगा और तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल तबाह कर दूंगा। जब वो वहां से वापस जाएगा तो शामिर का बाप उसे कहेगा कि उस मामूली लड़की की वजह से तुमने मेरी सालों की मेहनत ज़ाया कर दी है और सब कुछ चंद ही लम्हों में बर्बाद कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैरिन के बाप की सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। इस पर शामिर उसे कहेगा कि ये पार्टी मेरी माँ की है, आपकी नहीं, और आपको सिर्फ अपनी डूबी हुई इन्वेस्टमेंट की फिक्र है, ना कि पार्टी की कामयाबी की। दूसरी तरफ फराज उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैंने जितनी हद तक दोस्ती निभा सकता था निभाई, लेकिन अगर वो मेरी बीवी को बीच में ना लेकर आते तो मैं उसे ये सच कभी ना बताता। जिस पर शामिर उससे कहेगा कि तुमसे जितनी दोस्ती निभाने की मुझे उम्मीद थी तुमने उससे बढ़कर निभाई है, मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। वहाँ सुकैना अपने बाप से कहेगी कि आपको ये फैसला करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए था। उसने आपके एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुँचाई, बल्कि आपको अपनी की हुई तरबियत पर यकीन होना चाहिए था। ना ही शिबरा ने अपनी हद से आगे तजावज़ किया है और ना ही फजल बख्श ने। उन दोनों के दिल में आपके लिए कितना एहतराम है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको जज्बाती फैसला करके अपनी बेटी की खुशियाँ खो देंगे। आपकी बेटी वाकई ही फजल बख्श से मोहब्बत करती है।